ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको ना। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी चैप्टर 2 यूनिट 2 इसका फोल्डिंग, ठीक है, पेज नंबर 71। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का बुक है, और जैसे पहले भी आपको बताया था मैंने कि ये बुक जो है वो डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये चारों किताब के लिए एप्लीकेबल है। एमबीए सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, बीएससी फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल है, बीएससी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये बुक हो सकता है कुछ कॉन्टेंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसी से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका फोल्डिंग वाला चैप्टर एमबीए वाले का किसी और बुक में, किसी और चैप्टर में होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है ना। इसलिए हमने कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को मैंने वो जो मेन जो पॉइंट्स है वो दे दिया था, 22 सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को दे दिया था। और वो 22 सब्जेक्ट चाहे एमबीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे डिप्लोमा हो, वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में है, ठीक है। जब यहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो उसको आप नोट कर लो, बुलेट पॉइंट वगैरह जो भी नोट्स है वो नोट कर लो, और फिर उस बुक से जाकर रिलेट कर लो, समझ में आ जाएगा। कोई इंजीनियरिंग नहीं है यहाँ पे कुछ भी इंजीनियरिंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे, ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है बस, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस यही है, कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है। जितना भी टेक्निकल चीज़ है सब सिविल इंजीनियरिंग से करवाओ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे जो इंजीनियर है वो करेंगे, जो स्किल्ड सेफ्टी स्पेशलिस्ट है वो लोग करेंगे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, रिस्क असेसमेंट कैसे बनाता है वो सीख जाओ, पॉलिसी क्या होता है उसके बारे में जान जाओ। इसका फोल्डिंग भी एक एक्टिविटी है ना, एक हजार्ड है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इसका फोल्डिंग मीन्स ए टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ पोल्स और ट्यूब्स एंड प्लांक्स प्रोवाइडिंग वर्कमैन विथ प्लेटफॉर्म्स टू स्टैंड वर्क ऑन व्हाइल बिल्डिंग और रिपेयरिंग ए प्लांट और हाउस। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द मटेरियल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रिपेयर एंड डिमोलिशन वर्क एंड कैन बी यूज टू ऑब्टेन टेम्पररी एक्सेस टू सर्टेन एरियाज और इक्विपमेंट। सो इसका फोल्डिंग का डेफिनेशन क्या है, इसका फोल्डिंग मीन्स ए टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ पोल्स और ट्यूब्स एंड प्लांक्स प्रोवाइडिंग वर्कमैन विथ प्लेटफॉर्म्स और स्टैंड और वर्क ऑन व्हाइल बिल्डिंग और रिपेयरिंग और प्लांट और हाउस। क्लियर, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका हजार्ड्स क्या क्या है, एसोसिएटेड हजार्ड्स क्या क्या हो सकता है, यूज ऑफ अनसुइटेबल और फॉल्टी मटेरियल्स, इनएडिक्वेट सपोर्टेड स्कैफोल्ड बोर्ड, इनएडिक्वेट और इरेगुलर प्लेटफॉर्म, ओमिशन ऑफ गार्ड रेल्स और टो बोर्ड्स, फेलियर टू सिक्योर स्कैफोल्ड्स, फॉल्टी ऑल्टरेशंस विथ अप्रूवल, अनसिक्योर्ड लैडर स्लिप, मिसयूज ऑफ कपलर्स, ओवरलोडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड स्कैफोल्ड्स, अनसिक्योर्ड लैडर स्लिप, फायर ड्यू टू वेल्डिंग गैस कटिंग इन वुड स्कैफोल्ड, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑफ पर्सन, प्रोट्रूडिंग नेल्स, इंजरीज, हीट बाय एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ स्कैफोल्ड्स, ओवरहीट, इलेक्ट्रिक लाइन एक्सेट्रा। तो ये सब हो गया हजार्ड्स। अब इन हजार्ड्स को, हर हजार्ड्स के अगेंस्ट में रिस्क इवैल्यूएट करना है और कंट्रोल मेजर्स एस्टैब्लिश करना है। देखो फिर से कॉम्पिटेंट पर्सन का डेफिनेशन है इसमें, वन हु इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग एंड प्रेडिक्टेबल हजार्ड्स इन द सराउंडिंग्स और वर्किंग कंडीशंस व्हिच आर अनसैनिटरी हजार्ड्स और डेंजरियस टू एम्प्लॉय एंड हु हैज ऑथोराइजेशन टू टेक प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स टू एलिमिनेट देम। क्वालिफाइड पर्सन, वन हु बाय पोसेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल स्टैंडिंग और हु बाय एक्सटेंसिव नॉलेज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस हैज सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेटेड हीज और हर एबिलिटी टू सॉल्व और रिसोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर द वर्क और द प्रोजेक्ट। तो जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि कॉम्पिटेंट पर्सन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, नॉलेज, एबिलिटी,
ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा हुआ है ना, उसका डेफिनेशन में भी वही चीज़ है, ए पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एंड हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड हीज और हर एबिलिटी, तो एबिलिटी भी इसके अंदर आ गया, नॉलेज एबिलिटी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो उस बंदे के अंडर में ही इसका स्कैफोल्डिंग का काम होना चाहिए, कोई भी ऐरे गुरु आदमी अगर काम करेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांस होगा, राइट। सो यू नीड ए पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग, ठीक है। इसका फोल्ड्स में क्या क्या आ जाएगा, सुइटेबल एंड सफिशियंट इसका फोल्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर वर्कर्स फॉर ऑल वर्क्स दैट कैन नॉट बी डन एट ए हाइट फ्रॉम ए लेडर और बाय अदर मीन्स, तो ऐसा कोई काम जहाँ पे कि लेडर से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उस जगह पे या जितना काम होना चाहिए लेडर पे क्या हो सकता है, लेडर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप चढ़ के जा सकते हो, छोटा काम कर सकते हो, लेकिन कोई बड़ा काम करना होगा तो आपको स्कैफोल्डिंग का जरूरत पड़ेगा, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। पेज नंबर 72, अब इसमें क्या है, अब अगर पढ़ोगे 72 और 73 में तो ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अब बस समझने के लिए आपको अपने सामने में वो जो आप इसका स्कैफोल्डिंग का जो पिक्चर है आपके सामने आप बता रहे थे ना कहाँ पे है वो देखो कौन सा पेज में है ना, अब उसका जितना भी पार्ट्स है वो सारा पार्ट्स का नाम इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब वही सब चीज़ों को यहाँ पे सही से करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, डूज में है ये सब, डूज में है और बाद में डोंट्स में होगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओगे तो लाइन बाय लाइन चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंजीनियरिंग नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, ना ही मैथ्स है ना ही केमिस्ट्री है, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए जब प्रोजेक्ट में जाएंगे तो एक बार आपको दिखा देंगे हम, ये इसका फोल्डिंग का ये स्ट्रक्चर है, इसका ब्रेसिंग ये है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये वर्टिकल पाइप है, इसका डायगोनल ब्रेसिंग ऐसा ऐसा है, इसका लेडर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वो पे हम लोग आपको एक और अगर सब ठीक ठाक रहा तो हम लोग एक यहाँ पे ट्रेनिंग यार्ड भी बनाएंगे, तो उसमें प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे, आप लोगों को एक स्कैफोल्डिंग खुद ही स्ट्रक्चर बना के खड़ा करके आपको डिसमेंटल करके इरेक्शन करना पड़ेगा, इरेक्शन करके डिसमेंटल करना पड़ेगा, तो वो भी आपके पास एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वैसे जाएंगे एक हफ्ते का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब होगा तो वहाँ पे आपको वहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली, तो आपको वहाँ पे भी कुछ नॉलेज आ जाएगा। पेज नंबर 74 में देखो क्या है, इसका फोल्डिंग ड्यूटी वर्किंग प्लेटफॉर्म्स एंड WIDTHS विड है ना चौड़ाई, डेट यूज ऑफ प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन प्लेटफॉर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मिनिमम विड, कॉमनली यूज विथ, मैक्सिमम बाय लेंथ बिटवीन सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि तीन तरह का इसका फोल्डिंग होता है, एक लो उसका वेट का, एक मीडियम वेट का, एक हैवी वेट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यूज ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, इंस्पेक्शन, पेंटिंग, क्लीनिंग, लाइट क्लीनिंग, एक्सेस और सिमिलर यूज, मतलब एकदम छोटा वाला। यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन प्लेटफॉर्म्स कितना है, ये 75.75 क्या है वो, क्या है वो, क्या है वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है, आप साइंस का स्टूडेंट बताओ क्या है, मिल गया। सो केन माने किलो न्यूटन, ठीक है, तो 1 kN इज इक्वल टू अराउंड 101 kg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0.75 स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर एरिया में लाइट ड्यूटी वाला जो होता है, लाइट ड्यूटी के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, एक स्क्वायर मीटर का जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो 75 किलो होना चाहिए 1 square meter के लिए। अब 1 square meter कैसे होता है, 1 square meter
मतलब 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, राइट, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये हो गया आपका एकदम जनरल इंस्पेक्शन वाला, मतलब ये लाइट ड्यूटी में भी नहीं आएगा, लाइट ड्यूटी से भी एकदम कम वाला मतलब। ठीक है, लाइट ड्यूटी के लिए क्या आएगा, लाइट ड्यूटी में क्या क्या काम करते हैं हम लोग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, ग्लेजिंग, ये सब आ जाएगा। इसमें क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना होना चाहिए, 1.5, मतलब 150 किलो। ठीक है, 150 किलो केएन, मतलब 1.5 केएन बोल रहा है। ठीक है, 1.5 केएन का मतलब कितना हो गया, अराउंड 150 किलोग्राम्स। ठीक है, और जनरल पर्पस के लिए क्या बोल रहा है, जनरल पर्पस में क्या क्या काम कर सकते हैं, जनरल बिल्डिंग वर्क इंक्लूडिंग ब्रिक वर्क, विंडो और फिक्सिंग, क्या मलियन फिक्सिंग, प्लास्टरिंग और सिमिलियर यूज, इसके लिए क्या बोल रहा है, 200 kg पर स्क्वायर मीटर। ये किताब के हिसाब से, ठीक है, उषा का कैलकुलेशन शायद थोड़ा अलग है, लेकिन ये इस किताब के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अब ये कितना सही है, अब ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हो सकता है जब प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो वहाँ का ऑन द स्पॉट आपको वहाँ का जो भी का इसका फोल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, पाइप का डाया कितना है, पाइप का लोड कैपेसिटी कितना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके दोबारा लोड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी में 2.5 यानी कि 250 किलोग्राम। ठीक है, और मशीनरी स्पेशल ड्यूटी, तो इसमें कई तरह का लाइट भी है, मीडियम भी है, हैवी भी है, उसके बाद मशीनरी भी है, वो हैवी से थोड़ा और ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, 300 किलोग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए, 650 mm इंस्पेक्शन के लिए, 870 mm लाइट ड्यूटी के लिए, 1.4 मीटर जनरल पर्पस, 1.3 मीटर हैवी ड्यूटी। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन एक थोड़ा सा करके दिया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप उस स्कैफोल्डिंग में क्या काम करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करके आपको लोड को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि आप वहाँ पे कितना ब्रिक रखोगे, कितना सीमेंट रखोगे, कितना कौन सा मटेरियल कितना रखोगे और उस मटेरियल का वेट कितना है, तो ये पूरा इंजीनियरिंग चीज़ है। ये आपको प्रोजेक्ट में डिज़ाइन कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन, डिज़ाइन बना के लोड कैलकुलेशन करके प्रोजेक्ट में आपको जो वहाँ का सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इसका फोल्डिंग थर्ड पार्टी वाला होता है, आजकल थर्ड पार्टी को दे देता है काम, तो थर्ड पार्टी वाला ये सब करके ड्राइंग वगैरह देके आपको वहाँ पे, अच्छे कंपनियों में तो होता है, ठीक है, वो लोग करवाते हैं इसको, सो दैट यू कैन डू इट। ठीक है, लोड कैलकुलेशन और भी होता है, जैसे कि आप लोग जब घर पे छत डालते हो ना, कंक्रीट करते हो, है ना, तो जो स्कैफोल्डिंग लगा के या जो भाड़ा लगा के ऊपर से जो यू नो प्लाईबोर्ड वगैरह लगा के जो कंक्रीट होता है, तो वो भी तो एक लोड ही कैलकुलेशन होता है ना, लोड उसमें भी लोड आता है ना, कि उसके ऊपर इतना सरिया है, उसके ऊपर इतना कंक्रीट आएगा, पोरिंग का जितना मसाला जो भी सामान आएगा उस पर लोग इतना चढ़ के काम करेंगे, है ना, तो वो सब कैलकुलेशन तो होता ही है, गाँव में कोई करता नहीं है, सबको पता है कि हाँ इतना बैम्बू लगा दो, इतना प्लाईवुड लगा दो हो जाता है, इतना प्लैंक लगा दो, लेकिन जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, बड़ा प्रोजेक्ट में जब होता है तो वहाँ का लोड कैलकुलेशन रहता ही रहता है, शटरिंग का लोड कैलकुलेशन रहता है ना, तो इसका भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन आपका हो गया। उसके बाद पेज नंबर 75 में वर्किंग प्लेटफॉर्म्स एंड डेकिंग है, और फिर केयर ऑफ इक्विपमेंट है, ठीक है, ये सब चीज़ है। पेज नंबर 77 में ये कंटिन्यू है, डूज एंड डोंट्स के बारे में कंटिन्यू है यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आप कुछ डिटेल्स है इसमें कि बोर्ड का थिकनेस कितना होना चाहिए, बोर्ड का चौड़ाई कितना होना चाहिए, प्लैंक जो यूज़ होता है प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ है इसके अंदर, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे आगे चल के। ठीक है,